तो आपको क्विकली ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 80। हर बार मैं हिंट दे देता हूं, तो अब मैं सोच रहा हूं विदाउट हिंट दिए आपको खुद से ट्राई करना है। जो नया कंसेप्ट होगा वो मैं बताऊंगा, जो हमने पढ़ लिया है ये उसी का प्रैक्टिस है। हमने कल पढ़ा था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो इसमें देखिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है क्या, ये मैंने हिंट दे दिया, बाकी आप आगे इसे कंटिन्यू करिए। ए क्वेश्चन नंबर 80 है, मींस पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो मोर देन वन में बी करेक्ट, सो बी केयरफुल ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मोड 11 इट इज गिवन, ओके। तो अब तक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ पे बेस्ड ए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। एक में डायरेक्टली सॉल्यूशन हमने निकाला था, एक में उसका कंसेप्ट यूज किया था कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, और थर्ड में यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आप एक कंसेप्ट और समझिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। सब लोग इधर एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हमने लिया कुछ एक्स कंग्रुएंट वन मोड, मान लो मैंने 5 ले लिया, और अगर एक्स बराबर हमारे पास कुछ मान लीजिए 6x सॉल्यूशन है, तो इसमें अगर इस एन 5 की जगह मान लीजिए मैंने कुछ एन ले लेता हूँ, ठीक है, एन से ज़्यादा ईजी होगा आपको समझना। अगर ए एक्स इक्वल टू जो भी कुछ आपको मान लीजिए कि यहाँ एक्स नॉट आ रहा है, कुछ एक्स नॉट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स नॉट प्लस एन भी इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स नॉट प्लस डबल एन करेंगे तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, या फिर आप एक्स नॉट माइनस एन करेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मोड एन के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो आपका यही बचा रहेगा। तो इस टाइप के आपको जब जरूरत पड़े, मान लो जैसे मैंने इंटरवल दे दिया 5 से 10, और आपका एक्स नॉट इक्वल टू कुछ आ गया 2, तो ये इस इंटरवल में लाई नहीं करा, और मान लो मैंने मॉडलो कुछ 4 या 6 ऐसे दे दिया, ठीक है, तो अब इसमें प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो इस इंटरवल में लाई कर गया। तो इस टाइप से आप अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस टाइप का इंटरवल दिया हुआ है। ये हिंट आपको यूज करना था, अब आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्विकली सॉल्व करना है, करेक्टली सॉल्व करना है। सर यहाँ पे 7 है, ये गलती से 5 लिखा गया, 5, 7, 11 है। आप एक चीज करिए, भले आपका जो भी सोल्यूशन है इस इंटरवल में लाइक करे या नहीं करे, आप अपना सोल्यूशन बताइए कि आपका एक्स नॉट क्या आया है, जो फर्स्ट सोल्यूशन। इंटरवल के बाद में बात करेंगे, आप जो भी मेथड लगा रहे हैं, मतलब आप तो लगाएंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ही, उसकी हेल्प से आपका एक्स नॉट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आप ये बताएं, इसके बाद हम लोग इंटरवल भी देख लेंगे।
किसी का निकला। राखी तुम लोग से होना चाहिए, राखी सोनाली तुम लोग नंबर थ्री पहले पढ़ चुके हो और अभी जस्ट ही बीता है, तुम लोग को तो क्विकली आंसर बताना चाहिए। ओके ठीक है, किसी और का भी कुछ आ रहा है? कैपिटल एम आपका ये कितना आया हुआ है? ये हो जाएगा आपका 385। कितना आया आपका? 797 modulo 385। नहीं तो मोटो लगाने के बाद इसको रिड्यूस करना होता है। अच्छा आपने एक्सपेंड करके किया होगा। ओके 385 ए करेक्ट होगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप लोग अपना कैलकुलेशन देखिएगा। तो 385 स्टार्टिंग नहीं, मैं पहले ए बोला था कि आपको जो इनिशियल आ रहा होगा ए इस 385 से ज्यादा नहीं आएगा, ये तो बाद में जैसे मैंने उस टाइम बोला था कि ऐड करके हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो ये वाला तो जब भी आएगा 385 से कम ही आएगा। ठीक है इस क्वेश्चन में, ठीक है इस क्वेश्चन में 797 आ रहा होगा तो ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं। बट ये आप एक्स नॉट एक बार बताइए कि आपको क्या आ रहा है। क्योंकि आप फाइनली सॉल्व करके तो मॉडल लगा के जो करोगे तो आपका 385 से लेस देन ही होगा। इसमें देखो सोनाली शायद तुम्हारा भी गलत हो सकता है क्योंकि दो अलग अलग आ रहा था, किसी एक का ही सही होगा, दोनों तो सही होगा नहीं। तो एक बार कैलकुलेशन देखना, फार्मूला यही वाला है ना, मैंने एक हिंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, ये वाला यही चीज रिपीट होता है बार बार हमारा। ए
M1 into M1 inverse mode small M1 और यही आपका अब आपका तीन है तो तीनों तक करते जाइए A2 M2 M2 inverse mode M2 इस टाइप से करके एक कैपिटल M1 है और ये स्मॉल M1 है। तो जैसे पहला वाला तो मेरा इतना कुछ आया इस टाइप से आएगा तो आगे का सब कैलकुलेशन करना है आपको सिर्फ फर्स्ट वाला 462 X0 अच्छा X0 आप नहीं जी अभी भी आपका गड़बड़ है इससे कम होगा जब हम मॉडलों में मैंने क्या जैसे मान लो एक्चुअली आप यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए ठीक है जिसके साथ डाउट हो अगर हम मोड एन की बात करते हैं इसका मतलब हम लोग जेड एन की बात कर रहे हैं ठीक है या फिर ऐसे हाँ ऐसे समझिए इसको हम लोग जीरो से लेके कहाँ तक जाएंगे एन माइनस वन तक जाएंगे और आपका एन से बड़ा आ रहा था आपको रिड्यूस करके इसमें लाना है। अब आप बोल रहे हो 385 से ज़्यादा बोल रहे हो तो इसका मतलब अभी भी आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है आपका इसके अंदर आना चाहिए ठीक है ना। हाँ देखिए आपका कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ हुआ है अलख निरंजन और इलियास जी आप लोग का क्या हुआ सर 367 आ रहा है ओके क्या ये एक्स नॉट या क्या एक्स नॉट 367 ओके यहाँ से तो तीन मिल गया है तो कोई एक ही सही होगा तीनों तो सही होगा नहीं और एक और कौन इलियास जी बोले थे अभी इलियास जी आप बताइए ओके तो अलख निरंजन जी आपका क्या है। देखिए सिंपल सा मैं आपको क्विकली एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ हमें पहले देखना था कि इन सब का GCD1 है कि नहीं आपस में को प्राइम है कि नहीं तो हमने देख लिया 5-7 के साथ को प्राइम है 7-11 के साथ को प्राइम है और 5-11 के साथ को प्राइम है मतलब वो कंडीशन हो गया इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा यहीं से। अब हमने क्या कर दिया इनका एक कैपिटल एम लेते हैं इसको स्मॉल M1 मानिए इसको स्मॉल M2 इसको स्मॉल M3 एक कैपिटल एम लेते हैं जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ठीक है फिर हम लोग एक कैपिटल M1 M2 M3 निकालते हैं वो क्या होता है इसके लिए इस दोनों का प्रोडक्ट इसके लिए इस दोनों का प्रोडक्ट इसके लिए इस दोनों का प्रोडक्ट M1 हो गया मींस आप इसमें स्मॉल M1 से डिवाइड करेंगे तो 7-11 होगा M2 इसी तरह 5-11 होगा M3 5-7 होगा ठीक है यहाँ से ये आप कैलकुलेट कर लिए होंगे। यहाँ के बाद हम आते हैं कि यूनिक सोल्यूशन वो क्या होगा तो यूनिक सोल्यूशन होता है इस चैप्टर में लेफ्ट अपर कॉर्नर में देखिए ये होता है A1 A1 क्या था हमारा ए वाला A1 है ठीक है A1 कैपिटल M1 कैपिटल M1 हमारे पास ए था फिर कैपिटल M1 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोड लो स्मॉल M1 स्मॉल M1 क्या था 5 था। अब यही चीज रिपीट होता जाता है हमारे पास तीन इक्वेशन है तो तीनों के लिए था फिर यहाँ पे A2 M2 कैपिटल M2 कैपिटल M2 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोड लो स्मॉल M2 अब इस तरह तीनों के लिए हो जाएगा अब इसको और बाहर सबका होल हो जाएगा एक कैपिटल M मोड लो M। अब यही चीज आपको सोल्व करके निकाल देना था क्या हुआ नहीं हो रहा है ऐसे कैसे काम चलेगा हम लोग तो सब पढ़ भी लिए हैं। चलिए ठीक है मैं इसको करवाता हूँ ज़्यादा टाइम ऑलरेडी हो गया ठीक है हमारे पास एक सिस्टम ए दिया हुआ था हमने ये सब चेक कर लिया यहाँ तक तो सबका इजीली हो गया होगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन निकालने में आ रहा होगा ठीक है तो मैं एक बार कंप्लीट सोल्यूशन इसका लिख देता हूँ ओके ओके ये होगा फिर यहाँ से हो जाएगा A2 कैपिटल M2 कैपिटल M2 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोडलो स्मॉल M2 प्लस A3 कैपिटल M3 कैपिटल M3 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोडलो स्मॉल M3 और होल का मोडलो हो जाएगा कैपिटल M। ये हमारा जनरल सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन होगा इस सिस्टम का ओके अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो आप एक बार डाटा रखते जाइए इसको मान लीजिए कि मैंने कैपिटल X1 मान लिया सॉरी स्मॉल X1 इसको स्मॉल X2 और इसको स्मॉल X3 तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा A1 कैपिटल M1 X1 ठीक है
प्लस ए टू एम टू एक्स टू प्लस ए थ्री एम थ्री एक्स थ्री, ये हो गया होल का मॉडुलो, होल का मॉडुलो। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सबको डिफिनेशन। अब यहां से आपको डाटा रख देना है, तो ए वन क्या था, यहाँ पे दो था, ए टू थ्री है, ए थ्री फोर है, ओके, तो मैंने रख दिया दो। एम वन क्या था, सेवन इंटू इलेवन, ये हो जाएगा सेवेंटी सेवन, ओके। अभी एक समय कैलकुलेट करना है एक्स वन, ठीक है। ए टू रख देते हैं थ्री, एम टू हो गया हमारा फिफ्टी फाइव, फिर एक्स टू अभी कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए थ्री था हमारा फोर, क्वेश्चन में फोर ही है ना, कहीं गलत तो नहीं लिखवाना, फोर मॉडल ले लेंगे, ठीक है। एम थ्री था आपका थर्टी फाइव इंटू एक्स थ्री। अभी भी किसी का आंसर आ गया है, कितना था तीनों का प्रोडक्ट अपना, हाँ बोलो किसी का आंसर आ गया है, तो सर एक्स वन थ्री आ रहा है, एक्स टू वन और एक्स थ्री टू, ए वन आ रहा है और ए यस थ्री, सबका ये आया है क्या? अगर ये आया है तो मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करूंगा सर, नो सर ऐसा नहीं है, एक्स थ्री, एक्स थ्री टू है, एक्स थ्री टू है, तो यहाँ से फिर वो आ गया, या तो ए सही होगा या तो ए सही होगा। तो आप लोग इसको देखिए, यहाँ भी किसी का कोई और बताए किसका क्या आया हुआ है? सर मेरा एक्स वन थ्री आया है, एक्स टू सिक्स आया है और एक्स थ्री फोर आया है। ओके, यहाँ से एक अलग मिल गया, चलो मैं सबका ही करवा देता हूँ क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज होगा। ओके, एक्स वन हमने किसको माना था, ठीक है ठीक है, सभी लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है, जिसका जो भी आया किसी एक का ही सही होगा, सबका तो सही होगा नहीं, ठीक है। तो एक्स वन हमने माना था, मैं तरीका आप लोग को बता दे रहा हूँ, एक्स वन माना था इस चीज को, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम वन इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू मॉडुलो स्मॉल एम वन, ठीक है। एम वन क्या था हमारा, सेवेंटी सेवन, सेवेंटी सेवन का इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू मॉडुलो स्मॉल एम वन, ठीक है। स्मॉल एम वन क्या था हमारा, फाइव था, इसको मैं डायरेक्टली फाइव लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इधर जाके क्या बन जाएगा, कल हमने पढ़ा था, इधर बन जाएगा ये सेवेंटी सेवन एक्स वन कंग्रुएंट वन मोड फाइव, क्लियर। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सेवेंटी सेवन को तो मॉडुलो फाइव के रिस्पेक्ट में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ना, तो रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स वन कंग्रुएंट वन मोड फाइव, ओके। अब यहाँ पे आपको एक्स वन का वो लिस्ट वैल्यू रखना है, लिस्ट वैल्यू, मैं इसी कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लिस्ट वैल्यू रखना है जिसके लिए मॉडुलो फाइव के रिस्पेक्ट में वैल्यू मान दे रहा हूँ। आपने वन रखा तो टू आया, टू रखा तो फोर आया, थ्री रखा तो सिक्स आया, और सिक्स का मॉडुलो फाइव के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक्स वन का वैल्यू आपका थ्री हो गया, और सबका मुझे लगता है कि पहला तो थ्री आ गया होगा, यही मेथड आपने फॉलो किया है, तो पहला सही है आपका। सर माइनस टू नहीं चलेगा, माइनस टू नहीं चलेगा वहाँ पे, एक्स वन इक्वल टू लेकिन जब हम देखते हैं ना स्टार्टिंग में, सर मैंने आपको जैसे बोला था कि जब मॉडुलो हम एन की बात करते हैं ना, तो हम जेड एन में जनरली देखते हैं, बाकी सारे उसके कंग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैंने बोला था अगर फाइव एक सॉल्यूशन आ गया और हम मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो फाइव प्लस एन भी, फाइव माइनस एन भी, ये भी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। लेकिन जो हम फर्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे, हम इसमें सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है सर। तो इसीलिए देखिए उसमें जो इंटरवल लिखा है हमारा, तो 385 के अंदर इंटरवल आएगा ना, आप क्वेश्चन में एक बार देख सकते हैं कि हमारा तो 385 मतलब 385 के अंदर ही आएगा, लेकिन सारे तो उसके बाहर के इंटरवल हैं, इसके अनुसार तो सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। लेकिन वो चीज़ नहीं होता, हमें जो देखना होता है स्टार्टिंग के उसमें जेड एन में देखना होता है, इसके बाद अब उसमें प्लस माइनस करके अपने जहाँ भी पहुँचना है उसके अकॉर्डिंग हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपका बात यहीं पड़ेगा, तो हम अपने अनुसार हमें जैसे जरूरत होता है वैसे जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अपने पॉइंट पाते हैं हम लोग, तो जैसे आपका ये थ्री आ गया, अब इसी तरह हम लोग दूसरे को करते हैं, ठीक है। दूसरे में यहाँ पे हमने इसको एक्स टू माना था, ये हो गया मेरा एक्स टू, ये हो गया एम टू, ये हो गया एम टू, क्लियर। ए हो गया 77 की जगह अभी हो जाएगा मेरा 55 का इनवर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 7, क्लियर। ओके, यहां से हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मिटा के लिखना पड़ेगा, मेरा तो यहीं से काम हो जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा 55x2 congruent 1 modulo 7, ठीक है। अच्छा, इसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। पहले ये 6 बन जाएगा क्या, ठीक है, अगर सिंपल। यस सर। ओके, तो 7 के फॉर्म में इतना बन रहा है, तो दूसरा हम 1 रखेंगे तो 6 देगा, 2 रखेंगे 1 पे 6 देगा, 2 पे 12 5 देगा, 3 पे माइनस तो 1 रखेंगे ना। हाँ जी, वन रखेंगे तो 6 देगा, 6 इंटू 1 6 हो गया, ठीक है, ए भी 1 के इक्वल नहीं हुआ तो एक काम नहीं कर रहा। 2 रखेंगे तो 6 दुना के 12 हो जाएगा, और 12 विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 7 क्या दे देगा, 5 दे देगा, तो 5 भी 1 के इक्वल नहीं हुआ तो ए भी नहीं होगा, हमें लीस्ट इंटीजर देखना है। अब हमने 3 रखा तो 18 हो गया, 18 4 के रिस्पेक्ट में क्या देगा आपका, 7 के रिस्पेक्ट में 4 होगा ना, ठीक है। अब आपने 4 रखा तो क्या देगा, 24 3 देगा, ठीक है। आपने 5 रखा तो क्या देगा, 2 देगा, और 6 रखा तो 1 दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो दूसरा निकल गया कि x2 होगा और 6 होगा। अब जिसका 1 आया था, आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए आपने कहाँ गलती किया था, x2 इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसमें देखते हैं किसका क्या गलत है। कहीं ना कहीं आप देखिए, मेथड सबको पता है, बस आप कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे। x2 हो गया आपका 6। अब थर्ड देखते हैं, इसी में थोड़ा सा जगह कर लेता हूँ जितना मेरे को काम है, इतना से काम चल जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया x3 m3 m3, और x3 कैपिटल M3 था 35, मॉडलो था 11, ठीक है, और इधर था X3 इसका इनवर्स, इधर आके बन जा रहा था 35 X3 टू 11, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो नहीं जाना है, भूल गया, ठीक है, इधर हो जाएगा 11 के रेस्पेक्ट में 33, यानी 2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहां से देखो, यहां पे डायरेक्टली अगर 2 एकम 2, 2 दुना के 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, यहां पे डायरेक्टली 6 आ रहा है, या 6 से लिस्ट भी कोई एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमम तो 6 एग्जिस्ट कर, 6 दुना के 12, 12 विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 11 इक्वल टू 1। x3 का हम लोग यहाँ से 6 ले सकते हैं, तो x3 इक्वल टू हमारा आ गया 6। अब बाकी आप लोग देखिए आपने कहाँ मिस्टेक किया था, मेरे अकॉर्डिंग a आ रहा है, अब जिसका a आया होगा उसका करेक्ट आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, हमें वो x0 निकालना अलग प्रॉब्लम था, इस क्वेश्चन में अलग है, इस क्वेश्चन में आपको बताना किस इंटरवल में सोल्यूशन लाई करेगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं भी करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैं नीचे कैसे मिटा देता हूँ, सबको क्लियर है ना यहाँ तक, क्योंकि देखिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है, मे भी है कि इसके बेस्ड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको पकड़ना है, ठीक है। अब इसके आगे तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, अब देखिए जो भी आता है, यहाँ पे रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा आपका 6, 4, 6, 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
सिक्स हो गया, सिक्स इंटू 77 करेंगे तो सिक्स इंटू 7 रहेगा 42 का 2 यहाँ लगा 4 फिर यहाँ करेंगे तो हमारा 6 आ गया, तो 18 हो गया, तो आप 55 और 18 कर सकते हैं, 99 इंटी आएगा क्या? 99 ठीक है, बस एक कैलकुलेशन ही आप लोग को ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ है नहीं। इधर करेंगे तो हो जाएगा 35 इंटू 24
चार पांच बीस, अब आप जो से भी गुणा भागा करते हैं, अब जो आप टेंथ तक पढ़े होंगे वहीं में 140 2310 सर। ऊपर 11 इंटू 35 से इंटू होगा ना, ए तो 11 है हम लोगों का, ए 4 था यहाँ से आ गया, ए 35 M3 आ गया और X3 हमने अभी निकाला है, तो X3 हमारा 6 था। ठीक है, नए प्रोडक्ट निकालना है तो ये इतना आएगा, चेक कर लिए। ठीक है, और ए विद रिस्पेक्ट टू 3 अब ऐसे 10 इक्वेशन भी दे दे तो आप निकाल देंगे मैक्सिमम, अब तक 3 इक्वेशन का ज्यादा पूछेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, इतना ये देखिए 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो टाइम लेगा ना। ओके, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आप जोड़ घटा है तो इसको करिए, जितना भी होगा मेरे को क्या पता है कितना होगा, 2 होगा, 9 4 13 इतना आ रहा है क्या? ठीक है, अब यहाँ से हमें रिड्यूस करके पहुंचना है कहाँ पे? अच्छा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में ऐसे कुछ पढ़े होंगे कि अगर हमारा जैसे साइन थीटा का कोई सॉल्यूशन, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू आपका पाई बाई समथिंग, एज्यूम कर लेते हैं पाई बाई 2 आया, तो इसमें हम लोग 2π भी जोड़ेंगे तो अभी इसका सोल्यूशन होगा, प्लस 2π जोड़ेंगे तो अभी हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसको जनरल सोल्यूशन निकालते थे और 2π के जो अंदर आता था उसको हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते थे। ठीक है, तो उसी तरह इसमें देखिए हमें आंसर पे पहुंचना है ना, तो मैं एक बार आंसर नोट डाउन कर दे रहा हूँ, यहीं से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कम मेहनत में भी काम बन सकता है आपका। है 400 से शुरू है, 6 से शुरू है, 8 से शुरू है, 1000 से शुरू है, 1200 तक, तो मतलब 12 से आपको नीचे आपको जो भी सोल्यूशन देखना है 400 से लेकर 1200 तक, इतना तक देखना है। ठीक है, हम देखते हैं इसके बीच में हम कहाँ पे आ रहे हैं। अब इसमें 385 का आप इसको देख लीजिए कितना रिमाइंडर बच रहा है, 385 से आपने 367 अच्छा 367 पक्का यही रिमाइंडर बच रहा होगा? यस सर। ओके, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया 367। अब यहाँ से आप बढ़ना शुरू करिए। ठीक है, ये आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, मुझे पता नहीं, अगर इतना आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी को बेस मान लेते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा इसमें आप 385 ऐड कर, जैसे मैंने बोला था कि अगर थीटा में कुछ आया था तो हम लोग 2π भी ऐड करते कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल, इसे एक कंप्लीट सर्कल ऐड कर रहे हैं, तो बस ये उसकी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा वाइंडिंग नंबर, कंफ्यूजिंग वाला वाइंडिंग नंबर जनरली हम लोग 1 लेके चलते हैं, हर जगह 1 नहीं होता है, जैसे इसमें हमने 2π ऐड कर दिया ना तो एक वाइंडिंग नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इसका काम पड़ता है। एनीवे, तो उसी तरह इसमें 2π 3 हमने इतना जोड़ दिया, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 0 ही है। अभी देखिए क्या आ रहा है, 5 7 2 ये इतना आया क्या? यस सर। ओके, एक हमारा मान लीजिए कि एक कुछ सोल्यूशन होगा, फिर से इसमें 385 जोड़िए, हमारा कहाँ तक जाना था, 401 से लेकर 1200 तक जाना था ना, तो इसके अंदर एक तो मिल गया हमें। अब दूसरा देखिए क्या आ रहा है, 5 2 7 11 37। ओके, अब इसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे तो इसको पार कर जाएंगे, क्लियर? तो इसका मतलब हमारे पास 2 इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन मिला, इतना। अभी देख लीजिए किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसमें पहला में लाई करेगा 752 है, नहीं 752 इसमें करेगा, बिल्कुल सही। तीसरा हमारा 11 37 इसमें भी नहीं करेगा, तो मेरे अनुसार ऑप्शन 2 और 4 इसका ट्रू होगा, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। सर एक बार इंटरवल बता दीजिए ना कि कैसे देखना है इंटरवल, कि कहाँ से कहाँ पे चेक करना है। ओके, एक क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 80 आपने देख लिया,
क्वेश्चन नंबर 80 आपने देख लिया ना। यस। अब हम लोग आते हैं अपने पे। हमारे पास निकला था ये 367, यही निकला था ना। हमारे पास ये था 367 से तो हम लोग पहुंच नहीं सकते। फिर हमने 385 जिसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला था, ए वाला ऐड किया था, ठीक है। ए ऐड किया, ए ऐड किया तो 752 निकला। तो 752 निकला तो पहला गया, दूसरा सही, ठीक है। अभी हमें और आगे बढ़ना है। फिर हमने इसमें 385 ऐड किया, 3 ऐड किया तो 1137 निकला। फिर देखिए इसमें 1137 इसमें नहीं, इसमें गया। तो चार ऑप्शन में से आपने दो ऑप्शन फाइंड आउट कर लिया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? अगर ये सिंगल चॉइस रहता तब अगर ये सिंगल चॉइस होता तो सिंगल चॉइस कैसे देगा जी? इसमें तो हजारों सोल्यूशन हो सकते हैं ना। सिंगल चॉइस में हमारे पास अब सिंगल में कैसे करेंगे? इसमें भी सोल्यूशन लाइक कर रहा, इसमें आप फिर से 385 जोड़िए ना, फिर से कुछ मिलेगा। तो हमारे पास इंटरवल है ही नहीं। तो आपको देखो सिंगल चॉइस में रहेगा ना तो कुछ इसी पे बेस्ट पूछेगा, 367 पूछेगा, या फिर उनमें से दिया रहेगा जो इंटरवल। मान लो या तो इसके जगह कुछ 752 दिया था ना, मान लो इसके जगह कुछ ऐसे 700 दे देगा या 750 दे देगा, ताकि आपके पास कोई एक ही करेक्ट आंसर आए। ऐसा नहीं होगा कि दो करेक्ट ऑप्शन हो और आपको सिंगल करेक्ट मिले। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बोल देते हैं, जैसे एग्जाम में आता है कि क्वेश्चन गलत है या इस टाइप का है, उस केस में बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है। इसमें सिंगल नहीं देखा, सिंगल में देखा तो आपका एक ही ऑप्शन कोई ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन ट्रू है तो ऐसा क्वेश्चन सिंगल में नहीं जाएगा। मैं सभी लोग को सजेस्ट करूंगा कि मेथड आप समझ गए थे, हमने तीन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन किया है, आप लोग तीनों को एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। आप देखिए कितना क्विकली करेक्ट आंसर पे पहुंच रहे हैं। हाँ बोलिए। 77x कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5 ऐसे आपने लिखा था, तो आपने वो रिड्यूस करके 77 को कुछ रिड्यूस किया था आपने? हाँ। तो वो कैसे किया था? 77x कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5 ऐसे कहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैंने एक सिंपल सा 5 का एग्जांपल ले रहा हूँ, मॉडुलो 5, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने बोला था कि Z5 बना लेना है। अब Z5 के मेंबर क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 यही होंगे, क्लियरली। अगर मैंने बोला कि आपका कोई भी नंबर मन में किया ना, आपका 44 ले लीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि 44 Z5 में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये इन्हीं में से किसी एक के जैसा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमने जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ा था, इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, ये तो समझ में आ गया था सबको। आपको Z5 के एलिमेंट के फॉर्म में लिखना होगा इस नंबर को, जो भी नंबर आपको x दिया हुआ है, ठीक है। तो वो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जिसके आप 5 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 5 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका हो जाएगा। तो 44 से आप करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के टर्म में करेंगे तो 44 को लिख सकते हैं 5 × 8 + 4, ठीक है। 5 के रेस्पेक्ट में जितने भी ये होंगे ये 0 हो जाएंगे और ये आपका रिमाइंडर बचेगा, तो 44 = आपका 4 हो जाएगा। आपको शायद रेस्पेक्ट में आएगा, एक पार्टीशन होता है ना, इसके जो मेंबर होते हैं ना Z5 के, ठीक है, ये किस टाइप के होंगे? 5 के टाइप के होंगे, 5 के 1 टाइप के होंगे, 5 के प्लस 2 टाइप के होंगे, 5 के प्लस 3 टाइप के होंगे और 5 के प्लस 4 टाइप के होंगे। अब इससे आगे कोई भी नंबर लेंगे ना, जैसे हमने 44 लिया, तो अगर इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो इन्हीं में से किसी एक टाइप का होगा। अब आपको इस टाइप में लिखना है, तो देखिए मैंने इस टाइप में लिख दिया, ठीक है। एक ही एक फोर्थ वाले में फोर्थ कैटेगरी सेटिस्फाई करा। अब यहाँ से कुछ मान लीजिए 43 लेते, इसको सेटिस्फाई करता, तो ये होता है कि हम किस टाइप का पार्टीशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 5 पार्टीशन किया, अगर मान लीजिए आपने 3 पार्टीशन किया होता तो आपका जो हो जाता 3 के टाइप का एलिमेंट, 3 के प्लस 1 टाइप का एलिमेंट, 3 के प्लस 2 टाइप का एलिमेंट। तो ये होता है कि हम जेड के सारे एलिमेंट को ये 3 पार्ट में पार्टीशन कर दिया। अब जो जेड होगा इक्वल टू हो जाएगा इसका यूनियन, इसका यूनियन ए, ठीक है। यस सर। तो स्क्रीन क्लियर कर दूं मैं अब? आज मैं सोच रहा था कि सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखता हूँ जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। एक सबसे इजी और लॉलीपॉप क्वेश्चन करते हैं हम लोग,
2015 का ही है, ये दिसंबर का था ना, वो जून का क्वेश्चन है। ओके मैं जून वाला ओपन कर लेता हूँ। 2015 प्राइम नंबर्स का डिफिनेशन सबको पता है। ओके इसके लिए आपको एक चीज और जानना होगा, तो इससे पहले मैं उसी को क्लियर कर देता हूँ। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरी कल हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे आने से पहले क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग करने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट रिकॉल करवा दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम्स सेटिस्फाई द कंग्रुएंस, इतना एक कंग्रुएंस दिया हुआ है। तो प्राइम का डेफिनेशन सबको पता होगा, ए पॉजिटिव इंटीजर पी इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ पॉजिटिव डिविजर ऑफ पी इज ओनली वन एंड पी। ओके तो ए प्राइम का आपका डेफिनेशन था, बस इतना है। अब हम लोग थोड़ा सा कल पढ़े थे हम लोग आयलर फाइव फंक्शन, ठीक है। तो आयलर फाइव फंक्शन में कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था, इसमें कुछ आपने देखा था फाइव वन वन होता है, फाइव टू बी वन होता है, फाइव थ्री टू होता है, इस टाइप का, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप देख सकते हैं एक और दो को वन पे ले जा रहा है, इसका मतलब किस टाइप का फंक्शन हुआ, मेनी वन टाइप का फंक्शन हुआ, ठीक है। इसी तरह बहुत कुछ है जो बाद में मैं बताऊँगा, बाकी हमने कैलकुलेट करना सीख गया था। एंड एक चीज़ और होता है, फाइव एन ऑलवेज इवन होता है, इवन फॉर एन ग्रेटर देन टू, ठीक है, क्योंकि टू पे वन हो जाता है, तो टू पे वन आउट हो गया ना। आप टू से बड़ा कुछ भी लीजिए ये ऑलवेज इवन होता है। ये भी बहुत बार हमें हेल्प करता है डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने में कि ये ऑलवेज ऑड होता है, मतलब इमेज का सॉरी इवन का तो कभी प्री ऑड का प्री इमेज मिलेगा ही नहीं। इस तरह से भी ये नॉट ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आपने देखा मेनी वन एक किस टाइप का फंक्शन हो गया, मेनी वन प्लस में इन टू। मेनी वन कैसे हुआ, एक से ज़्यादा वन एंड टू का इमेज एक ही मिल रहा है, तो मेनी वन फंक्शन। एंड ये क्या कह रहा है, फाइव एन ऑलवेज इवन होता है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, सो ए इन टू हो गया। तो इस तरह से ये फंक्शन कौन सा हो गया, मेनी वन एंड इन टू का। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इंटरव्यू हुआ था उसमें, ठीक है। तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा। ओके हम लोग आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। फर्मेट्स ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक प्राइम है, इफ पी इज अ प्राइम, ठीक है। ओके एक सेकेंड, इसको मैं नोट पेपर लिख दूँ। एक सेकेंड, फर्मेट थ्योरम, ठीक है। फर्मेट थ्योरम ठीक, एक आता है कि हमारे पास कोई प्राइम है, इफ पी इज एक प्राइम, ठीक है, इफ पी इज अ प्राइम एंड ए कोई भी इंटीजर है एंड ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ऑब्वियस बात है इंटीजर पे करेंगे, एंड ए एनी इंटीजर सच दैट ए जो पी है ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, सच दैट इसका मतलब होता है डिड नॉट डिवाइड,
so that p did not divide a, then a to the power p minus 1 congruent to 1. एक सेकेंड पता नहीं कैसे मोड पी हो जाएगा ये आपका, ठीक है। फर्मेट्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई पी प्राइम है हमारे पास एंड कोई एक इंटीजर ए है सच दैट पी उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उसका जो ए टू द पावर पी माइनस वन ये होगा कंग्रुएंट टू वन मोडुलो पी। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि नंबर थ्री में रिजल्ट है कि अगर हमारे पास m कंग्रुएंट n मोड कुछ के मोड कुछ के मान लीजिए, ठीक है, और हमारे पास कोई c एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग इसको m c कंग्रुएंट टू n c लिख सकते हैं मॉडलो विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। एक सेकेंड, ये सही काम नहीं करता, मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक रिजल्ट है पता चल गया, ए टू द पावर पी माइनस वन कंग्रुएंट टू वन मोड पी, या फिर इसको हमने दूसरे दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो ए हो जाएगा ए कंग्रुएंट ए टू द पावर पी कंग्रुएंट ए मोड पी, ठीक है, ओके। ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना होगा कि 7 टू द पावर, मान लीजिए कुछ भी कैलकुलेट करना होगा कि 7 के पावर 10 क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू मोडलो इसका निकालना है, मान लीजिए 11 निकालना होगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसका वैल्यू निकालना होगा तो आप वो पावर करके करोगे, थोड़ा सा टेढ़ा आता है। आप देखो कि 11 इस 7 को डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं डिवाइड कर रहा, इसका मतलब हम लोग 7 के पावर जो अगर हमारे p है तो इसमें से कम कर देंगे तो 10 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे मोड कितना 11, ये निकल गया हमारे पास। ये अगर हमारे x था तो x का वैल्यू है 1 निकल गया। तो इस टाइप के कैलकुलेशन में बहुत आसानी होता है। जैसे हम लोग वहाँ यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे तो आप वहाँ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 के पावर कुछ मान लो 10 है, ठीक है, और ये हमें निकालना हुआ कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। हम लोग यहीं पढ़े थे ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोडलो 10, लास्ट डिजिट के लिए हम लोग मोडलो 10 ही लगाते थे। तब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन के लिए कि 10 क्या है, 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब हम लोग 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 9। अच्छा, यहाँ पे प्राइम होना चाहिए, सॉरी ये प्राइम नहीं है ना, तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्राइम कुछ 11 मान लीजिए, ठीक है, 11 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 कंग्रुएंट टू 1 मोड 11 हो जाएगा। और हमें यही निकालना था तो यहाँ से हम लोग 3 टू द पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू मोडलो 11 निकालना हुआ तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। इसको पास मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, सर इसको एक बार और समझा दीजिए ना, ये नहीं समझ में आया। मान लीजिए कोई प्राइम पी है, ठीक है, और ऐसे सबसे सिंपल फॉर्म में मान लो ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, निगेटिव से भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ऐसा है, चाहे ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा है कि पी इस ए को डिवाइड नहीं कर रहा है। कंडीशन है देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा तब हम लोग ए के पावर पी माइनस वन कंग्रुएंट टू वन मोड पी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके इक्विवेलेंटली हम लोग ये भी कह सकते हैं ए टू द पावर पी ए कंग्रुएंट टू ए मोड पी, ये है आपका रिजल्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं आयलर्स थ्योरम, ठीक है। ये आपके अब्स्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, सॉरी आयलर्स नहीं, फॉर्मेट में फॉर्मेट पढ़ा रहा था ना, सॉरी।
एक सेकेंड मुनेश, इसको आज कंप्लीट कर देते हैं, सही रहेगा नंबर थ्री रुपए, ताकि यहाँ से हम लोग इसको खत्म कर देंगे, फिर कल से हम लोग दूसरा शुरू कर सकते हैं। और बचा हुआ है क्या चीज? हेलो, कितना इसमें और होगा अभी? बस बस ये फर्मेट्स थ्योरम है, इसके बाद एलर्स थ्योरम, इसके बाद विल्सन थ्योरम, तो मेन यही चीज है। तो ये बता देंगे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये लोग कर लेंगे, उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, तरीका सब समझा दे रहा हूँ इन लोगों को, ठीक है? ओके, तो ये फर्मेट्स थ्योरम है, फर्मेट्स थ्योरम के बाद ऐसे ही एक सिमिलर कंसेप्ट है, वो दूसरा है, उसको हम लोग यूलर्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है? यूलर्स थ्योरम क्या है कि हमारे पास देखिए यहां पे कहता है पी इज अ प्राइम, इसमें क्या कहेगा, इफ एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? इतना लंबा लिखने के बजाय डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इफ एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड ए कोई एलिमेंट है सच दैट इस ए और एन का जीसीडी हमारे पास वन हो रहा हो, ठीक है? यहां भी देखिए मीनिंग कुछ मिलेगा, पी इज ए प्राइम, प्राइम का मतलब क्या हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में वो पॉजिटिव इंटीजर जिसका पॉजिटिव डिविजर वन एंड पी हो, और यहाँ पे हमने वो पॉजिटिव इंटीजर लिया जिसका डिविजर वन और पी के अलावा भी हो सकता है, बस बेसिक डिफरेंस यही है। कोई प्राइम है यहाँ पे और यहाँ कोई कंपोजिट है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे था कि पी उस ए को डिवाइड नहीं कर रहा था, जो भी कोई ए होगा, यहाँ पे क्या है, ए और एन का जीसीडी वन है, ठीक है? देन ए टू द पावर फाइव पी, इसको फाइव को हम लोग क्या बोलते थे, सॉरी फाइव एन होगा, पी कहाँ है इसमें, तो पी कुछ है ही नहीं, एन है ना, इस फाइव को हम लोग आयलर फाइव फंक्शन बोलते थे। तो आप लोग अगर भूल जाओ इस दोनों में याद कैसे रखना है, तो आयलर्स थ्योरम इसका नाम है और इस फंक्शन को आयलर फाइव फंक्शन बोलते हैं, ये हमारा आयलर्स थ्योरम है। ए हो जाएगा कंग्रुएंट टू वन मोड एन, ठीक है? अच्छा, इसका पार्टिकुलर केस देखिए, अगर एन बराबर पी मतलब प्राइम हो गया, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो 5p होता है वो होता है p माइनस वन, तो यहाँ पे क्या इंप्लाई कर देगा, a के पावर p माइनस वन कंग्रुएंट टू वन मोड p। ये देखिए ये दोनों सेम हो गया, ठीक है? तो ये फर्मेट्स थ्योरम क्या बन गया, आयलर्स थ्योरम का एक पार्टिकुलर केस बन गया। तो आपको क्या ट्रिक क्या याद रखने का, आपको सिर्फ आयलर्स थ्योरम याद रखना है, आयलर्स थ्योरम का ऐसे याद रख लेंगे पार्टिकुलर केस होता है फर्मेट्स थ्योरम, और कंडीशन थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें था कि किसी भी इंटीजर के लिए हो गया, यहाँ पे अपने जब एन को पी कर दिया अपने आप डिफिनीशन बन गया, यहाँ था एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब आपने एन को प्राइम कर दिया तो एन इज एनी प्राइम नंबर, ठीक है? यहाँ तक आप पहुँच गए। अब यहाँ पे था इन दोनों का जी सी डी वन हो, ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या हो गया, अब जो प्राइम आपने एन की जगह लिया था, इस एन का जीसीडी एक साथ वन था, और वहां पे एन क्या होगा, ए को डिवाइड नहीं करेगा, तो आपको मेनली ए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? अब तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मैं मिटा के लिखवा दे रहा हूँ उसी को, उसको बोलते हैं विल्सन थ्योरम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर थ्योरी के लिए, इन दोनों को क्या उसको बोलता है, विल्सन थ्योरम। ठीक है, ए विल्सन थ्योरम, इसमें भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट, एक कहता है इफ पी इज ए प्राइम नंबर, पी इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, पी कोई भी प्राइम नंबर है, देन जो पी माइनस वन का फैक्टोरियल होगा इक्विवेलेंट टू माइनस वन मोड पी हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये माइनस पी, ओके। हमने बोला था कि अगर कोई एक सॉल्यूशन हो रहा है और हम मोड लो जैसे एन की बात कर रहे हैं, तो मोड एन भी जोड़ दोगे तो बात वही होगा, यहां से आपको ए भी एक स्टेटमेंट बन सकता है, पी माइनस वन के भी कॉन्ग्रुएंट ए हो सकता है, ठीक है? यहां से क्या होगा, पी माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू पी माइनस वन मोड लो पी,
यहाँ आप सिंपलीफाई करके और भी कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ p माइनस वन है, ठीक है, तो ए आपको दे देगा p माइनस वन टू का फैक्टोरियल कंग्रुएंट टू वन मोड p, इस टाइप से हो जाएगा। तो मेनली जो हमारा है a है। अच्छा, इस रिजल्ट का एक और फायदा है कि ए इफ एंड इफ p इज अ प्राइम नंबर, तो इसको ये तो हो गया कि अगर p कोई प्राइम नंबर है तो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से मैं दूसरा रिजल्ट बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, वो क्या है कि इसको अभी आप भूल जाइए, p इज अ प्राइम नंबर और इसके जगह आप लगा दीजिए इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों रिजल्ट, यहां से दो रिजल्ट बन गया, p इज अ प्राइम नंबर इफ एंड ओनली p माइनस वन फैक्टोरियल कंग्रुएंट टू माइनस वन मोडुलो p, ठीक है। तो यहां से हो गया कि अगर किसी नंबर को हम लोग इस स्ट्रक्चर में लिख पा रहे हैं कि p माइनस वन जो होगा उसका फैक्टोरियल कंग्रुएंट टू माइनस वन मोडुलो p हो रहा है, तो इसका मतलब p प्राइम होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ बोल दिया मैंने ना, अगर p प्राइम होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा और कोई नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो प्राइम होगा, ठीक है। तो ये तीनों नंबर थ्योरी के सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो बहुत बार हर जगह यूज होते हैं। अब इन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप लोग अभी सिंपलिसिटी के लिए क्या करें, अपने कॉपी में एक जगह इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए ताकि इस पे बेस्ड मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां काम पड़ेगा। तो अभी तो मैं इसको मिटा दूंगा, फिर आप देख नहीं पाओगे, तो सभी लोग इसको कर लीजिए। आज मैं इसको खत्म करना चाह रहा था तो इसलिए खत्म कर देता हूँ। दूसरा और भी है कि अगर कोई पी प्राइम है तो हमने पहले कर लेते कि फॉर्मूला, इस तीनों का हम लोग बहुत जगह एप्लीकेशन करेंगे, तब इसको मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला था ए टू द पावर पी कंग्रुएंट ए मॉडुलो पी, दूसरा था ए टू द पावर फाइव एन, एन आया मतलब जीसीडी, पी आया मतलब डिवाइड वाला, और विल्सन मतलब फैक्टोरियल कंग्रुएंट टू माइनस वन, इस टाइप का था। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आपको, 83 था ना, फटाफट आप लोग 83 ट्राई करिए। यहाँ पे 13 है मतलब प्राइम है, तो प्राइम के लिए कौन था, सेकेंड वाला था ना, नहीं सेकेंड वाला एन के लिए था, फर्स्ट वाला फॉर्मेट था, ठीक है। तो उसमें कह रहा था कि अगर p किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है किसी a को, a के पावर p माइनस, इस टाइप से कुछ था, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ से ट्रिक पकड़िए आप लोग, ठीक है, आप बाद में सॉल्व कर लीजिए, मैं फटाफट हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पर 13 है तो यहाँ से जो भी डाटा आएगा या ये जो भी होगा विद रिस्पेक्ट टू 13 होगा, मींस जो भी वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 12 के बीच में होगा। ये सब इतने जो बड़े बड़े नंबर दिए इनका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, तो आप इनको क्या करें, पहले रिड्यूस करके मोडो 30 के रिस्पेक्ट में लिखिए, 13 के रिस्पेक्ट में। तो 13 के रिस्पेक्ट में होगा 13 39, ये हो जाएगा 2, 13 39 9 7 के 8 हो जाएगा, 13 5 65 2 हो गया, 52 3 और 2 5 इतना होगा क्या मॉडुलो 13 के रिस्पेक्ट में, एक बार देखना आप लोग। यस सर। ओके, तब यहां से देखिए कि अगर आपका पहला ट्रू हुआ तो तीसरा भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन इतना है, तो आप इसमें से किसी एक को चेक कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब तो आपको 1 2 3 ये तीन चीजों को चेक करना है, और आपको 41 और 60 सब नहीं रखना है, डायरेक्टली 2 8 5 रख के आप चेक करिएगा। क्लियर? सही कह रहे हैं। ओके, तो अब मैं रखता हूँ 2, फटाफट यहीं पे आप 2 रखिए, तो 2 to the power 24 कंग्रुएंट टू 6 2 12 और 2 14, 14 का मॉडुलो 13 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। मैं डायरेक्टली मॉडुलो नहीं लिखा, 13 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 2 to the power इतना है, तो ये देखिए क्या 13 2 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब 2 के पावर 13 में से कम हुआ 12 मॉडुलो 1 कंग्रुएंट टू, डायरेक्टली मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इतना बार बार क्यों लिखना, किसी को समझने में दिक्कत होगा तो आप बताना। क्लियर? इतना लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर 24 हो जाएगा, इधर 1 to the power स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, 13 के रिस्पेक्ट में,
तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और इधर कितना आया था, इधर भी तो 1 ही आया था ना, 6 × 12 = 14, तो 1 बराबर 1 है तो सेटिस्फाई कर गया। तो पहला ट्रू हुआ तो थर्ड भी ट्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्लियर, सबको समझ में आया कि नहीं आया। ओके सर, हाँ हाँ बोलो, जिसको डाउट है बोलो, कोई बात नहीं। इसको 2 to the power 12 में क्यों चेंज किया? मैंने चेंज नहीं किया जी, देखो हर्मिट्स थ्योरम क्या था हमारा कि अगर कोई प्राइम पी ऐसा है जो ए को डिवाइड नहीं कर रहा तो ए के पावर पी माइनस 1 किसके कंग्रुएंट होगा, ये हमने पढ़ा था क्या अभी थोड़ा देर पहले रिजल्ट मैं बोला था ना, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। यस सर। तब यहाँ पे 2 था तो आप 2 का क्या करें, 2 के पावर आपको कैलकुलेट करना है 24 और 6 × 12 = 14, 13 के रिस्पेक्ट में 1 और मोडलो 13, यही कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। तो अभी पहले इस 2 और 13 में रिलेशन देखिए क्या है, 2 को 13 डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब इस 2 को 13 ए को पी डिवाइड नहीं कर रहा तो ए के पावर पी माइनस 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 के पावर 13 में से गया 12 1 मोडलो, ऐसे लिख सकते हैं 13। अब हमें 24 पे पहुंचना है ना, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 2 के पावर 24, 1 to the whole square, ये 1 ही रह जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, 13 के रिस्पेक्ट में, इधर भी 1 इधर भी 1 इक्वल आ गया, तो इसका मतलब पहला ट्रू होगा और ये 2 है तो दूसरा भी तो 2 ही था तो ये भी ट्रू हो गया, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो ये दोनों खत्म, अब हमारे पास बचा 8 और 5, इसको भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है। 8 और 5 आपका 1 और 3 तो ट्रू हो गया, और 8 ए पार्ट सी का है इसलिए आपको हर ऑप्शन चेक करना जरूरी है। 8 रखेंगे, 8 के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 के पावर 24 कंग्रुएंट टू ए कितना होगा, 48 और 2 = 50, 53 = 54, 52 11 mod 13, तो बस ऐसे ए इतना हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से फिर से देखिए, इसको 2 के पावर 3 × 24 बाकी ए लिख सकते हैं क्या 13 के रिस्पेक्ट में, क्लियर, इतना लिख सकते हैं। इस 8 को मैंने कर दिया जी, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं, होल पावर कितना 24 था ना, तो वही तो बात मैंने यहाँ पे किया, 2 पावर इतना कर दिया। और हमें हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि 2 के पावर 12 क्या दे रहा था, 1 दे रहा था, हमें यहाँ पे कितना पहुंचना है, तो इसको इतना पहुंचने के लिए हम लोग 2 के पावर 12 का 3 × 2 कर सकते हैं, तो ये चीज मिल जाएगा जो यहाँ पे है, ठीक है। और इसका अंदर वाले का वैल्यू 1 है तो 1 के पावर समथिंग करो 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा 1 आ गया और इधर 11 आ गया, तो कभी पॉसिबल है 1 11 के इक्वल होगा, नहीं होगा ना। अगर आप मॉडलो में कहेंगे कि मॉडलो में है तो मॉडलो में इन दोनों का डिफरेंस को 13 डिवाइड करना चाहिए, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 को कभी 13 डिवाइड करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब पहला नहीं होगा। सर डायरेक्ट आयलर थ्योरम भी लगा सकते हैं क्योंकि 2 बार रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। हां तो वो सब तो मैं इनको समझाने के लिए, तो डायरेक्टली यहीं पे तो हो गया था ना कि यहीं से काम बन गया था, क्योंकि ये का 13 रिलेटिवली प्राइम है ना, तो लगा सकते। अच्छा हां, वो भी हो सकता है, वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। 5 पे एक बार कर लीजिए फटाफट इसी तरह जो मेथड यहीं सब है। फाइव पे आप करेंगे तो क्या होगा, 5 × 30 = 32, 13 × 26 = 4, 2 होगा क्या है 13 के रिस्पेक्ट में। चलो हमने फॉर्मेट्स वाला तो लगा लिया, अब इसकी अब की बार हम लोग इसका लगाते हैं एलर्स वाला,
आयलर में क्या था, इस दोनों का जीसीडी अगर 1 है 13 और 5 का, ठीक है, तो 5 के पावर 5 एन हो जाएगा, एन की जगह क्या है 13 है, ए 1 देगा, मतलब 5 के पावर 12 क्या देगा 1 देगा, दोनों तो फोल स्क्वायर करो तो हो जाएगा 24, हमारे यहाँ 24 ही था ना, ये तो हो गया 1, और जबकि इधर कह रहा है कि 6 आएगा, ये नहीं हुआ ना, तो मतलब ये भी गलत हो गया, समझ में आया ना सबको, किसी को कोई दिक्कत? हाँ हो गया सर, ओके ओके, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, एक का क्वेश्चन और मैं बस करवा दे रहा हूँ क्योंकि इसको लास्ट कर रहा हूँ, कल से मैं देखता हूँ कौन सा सब्जेक्ट नया शुरू कर सकता हूँ, तो क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास मैं सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ले लेके हम लोग थोड़ा सा खींचते हैं, अगर जिसको भी टाइम प्रॉब्लम होगा ना तो आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग बंद कर देंगे, लेकिन अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो एक्स्ट्रा क्लास चलते देते हैं, चलते रहेगा तो थोड़ा सा आराम से हम लोग कर पाएंगे, बाकी जो रेगुलर आपका चल रहा है उसमें चलते ही रहेगा, ये 2016 दिसंबर का क्वेश्चन है, 2016 दिसंबर क्वेश्चन की रह गया, थर्टी सेवन देखिएगा क्वेश्चन, ये किसी का स्टेटमेंट याद है, देखे पार्ट बी का क्वेश्चन है, वन बाय वन करेक्ट होगा, कोई भी नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर मतलब क्या है, कोई भी एन पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, सच दैट कि इस रिजल्ट को होल्ड कर रहा है, तो थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला था, इफ एंड ओनली फॉर अ केस, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, प्राइम, एन बराबर प्राइम, प्राइम, अब इसमें देखिए, ये बोला प्राइम के पावर होगा, नहीं ये बोला प्राइम्स का प्रोडक्ट होगा, नहीं ये बोला कि प्राइम्स का प्रोडक्ट, नहीं ये बोला प्राइम होगा, बस इसमें तो कलम चलाना ही नहीं पड़ा, विद इन 1 सेकंड आपने डायरेक्टली कर लिया, तो ये जो दो तीन रिजल्ट थे इसमें बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, चलो एक क्वेश्चन मैं एक और पूछा हुआ था, बहुत पॉपुलर है, याद नहीं आ रहा, कुछ 98 फैक्टोरियल ऐसे कुछ करके समथिंग था वो क्वेश्चन, अब कब का है याद नहीं है, तो आप ट्राई कर लेंगे, ऐसे और भी क्वेश्चन देख लेंगे, एक सेकंड मैं देख ही लेता हूँ क्या टाइम हो रहा, 15 मिनट ना, ओके बच क्या रहा आपका, सब थ्योरी इसका बता ही दिया, एलर फाइन हो गया, लास्ट डिजिट हो गया, डिफरेंस वाला हो गया, आपको रूट्स वाला हो गया, अब आपका जनरल पार्ट का बचा हुआ है, ओके कल मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन जो जनरल से रिलेटेड हैं, ना मतलब है इसे इंटीजर्स बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको जनरल भी कंसीडर कर लीजिए या नंबर थ्योरम कर लीजिए, तो पहले उन क्वेश्चन को करवा दूंगा, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, सबके पास क्वेश्चन पेपर जो मैंने सेंड किया होगा ही, नहीं होगा तो भी जिनके पास नहीं मिला होगा अभी तक वो मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, और राजेंद्र सर मैं आपको इसके बाद भेज देता हूँ, आपके पास नहीं है तो ठीक है, तो हाँ तो आप लोग ट्राई कर लेंगे, ठीक है, तो नंबर थ्योरी खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन है अगर डाउट होगा तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज कल से मैं नया टॉपिक शुरू करने की सोच रहा हूँ, ताकि हम लोग जल्दी कर सकें, ऑलरेडी हमने 3 दिन मैक्सिमम 2 दिन का था, तो हमने इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया है, ठीक है, तो आज के लिए